एक घर में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। बहू अनामिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, इसीलिए वो महीने में 25,000 कमाती है कहकर उसे बड़ा इस बात के लिए घमंड था। पर सासुमा शारदा मोमोज बेचकर हर दिन 4 से 5 हजार रुपए कमाया करती थी, पर ये बात उसने अनामिका से कभी नहीं कहा। शारदा शांत किस्म की थी, किसी भी तरह कभी भी उसका दिमाग गर्म नहीं होता था और न ही कभी वो गुस्सा करती थी। एक दिन अनामिका बड़ी ऊंची आवाज करके शारदा से बात कर रही थी, पर शारदा ने उसका जवाब नहीं दिया। अरे, बहुत दिन भर मेहनत करके पैसे कमा रही है और आप लोग बैठ बैठ के खा रही हैं। इतना भी अकल नहीं कि बहू को क्या चाहिए ख्याल रखे। बस 3 वक्त खाना है और बैठ बैठ के टीवी देखना है। इसके अलावा आप करती भी क्या है? हाँ बहू रानी, नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं रखा, मेरे कपड़ों को इस्त्री भी नहीं किया आपने। देखिए, अभी तक आपने मेरा लंच बॉक्स भी तैयार नहीं करके रखा, और मैं क्या कहूँ? काफी थकी हुई थी इसीलिए सो गई थी बहू। आप थक गई थी? मैं मेहनत करके हर महीने 25,000 कमा रही हूँ और आप थक रही हैं। इतनी थकावट हो रही है, एक बार जाके अपना मुँह शीशे में देख कर आइए। 25,000 रुपए कमाने लायक है आप? सॉफ्टवेयर बहुरानी को अपनी पत्नी को इस तरह से अपमान करते हुए देखकर प्रसाद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बेडरूम से बाहर निकल आते हैं और संवेदनशील होकर कहने लगते हैं, देखो सॉफ्टवेयर बहू, मेरी पत्नी इस घर की मालकिन है, तुम्हारी नौकरानी नहीं, सासू माँ है। यह सब याद रख के बात करो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ाई की है और ऊपर से 25,000 कमाती हूँ। अगर आप इस तरह से जुबान लड़ा के बात करेंगे तो आप ही का नुकसान रहेगा। ऐसा कहकर बहुरानी गुस्से से ऑफिस चली जाती है। दुखी होकर शारदा आके सोफे पे बैठ जाती है, फिर प्रसाद भी उसके पास आकर बैठते हैं। क्या शारदा, बहू जब ऐसी बातें कर रही थी तो तुम क्यों नहीं बताती कि तुम कितना कमाती हो, सब बता दो ना। बहू बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं है। तुम महान हो शारदा, जब तुम्हारी माँ कहती थी तो तुम चुप रहती थी, अब बहू कह रही है फिर भी तुम चुपचाप हो। हाँ ठीक है, करूँगी, जरूर करूँगी, और अभी जाती हूँ। ये 5 शब्द का अगर हम सम्मान करें तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, सास बहू देवी बन जाएगी, बाप बेटा भगवान बन जाएंगे, हर रिश्ता अमूल्य हो जाएगा। तुम्हारा पति होने का आज मुझे बहुत गर्व है शारदा। अगर इस तरह बात करते रहे मोमो बेचने का वक्त निकल जाएगा, सब तैयारी करनी होगी, देर हो गए ना तो हमारे चाहने वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मेरी पत्नी को मोमोज बनाने में महारत हासिल है, पता है कि नहीं, सब मेरी ही ट्रेनिंग है। बहुत हो गया, अब चलिए। ऐसा कहकर शारदा और प्रसाद थैला लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। आधे घंटे के अंदर ही शारदा और प्रसाद मोमो के दुकान पे पहुँच जाते हैं। मोमोज खाने के लिए शारदा के दुकान में भीड़ लग जाती है। प्रसाद पैसे लेकर सभी को मोमोज देते हैं। इसी तरह दिन निकलते हैं। एक दिन अनामिका ऑफिस से लौट के आती है तो देखती है उनके सास ससुर शारदा और प्रसाद घर पे नहीं है। फिर एक दिन बड़े प्यार से अपने पति रमेश से वो कहती है, अजी। जैसे ही वो बुलाती है रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर वो मजाक में कहता है, क्या बात है, आज सॉफ्टवेयर पत्नी का बुलाने का तरीका थोड़ा अलग है, हमेशा तुम नाम लेके रमेश कहकर बुलाती हो, आज बदलाव। आपने गौर किया है क्या, आजकल माँ पिताजी बड़े लेट से घर लौट आते हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि कहाँ वो जाते हैं? सॉफ्टवेयर बहुरानी इतना घमंड जो दिखाती है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए बाहर जाके वो बैठ जाते हैं, उनका घर कभी भी वो आ सकते हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं। तुम्हें क्या मतलब, तुम तो सॉफ्टवेयर बहुरानी हो ना, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम पे ध्यान दो। लेना देना तो हो गई ना, मैं सारा दिन ऑफिस में काम करके घर लौट आती हूँ, सर दर्द करता है, बहुत थकावट हो जाती है, मुझे गर्मा गर्म चाय पीने को मन करता है, जब चाय मांगने जाती हूँ तो देखती हूँ सासू माँ घर पे नहीं है। इसका मतलब खुद के लिए चाय खुद बना लिया करो। बस यही बात है ना, पर आप ये नहीं पूछ सकते अपने माँ बाप से कि इतनी देर तक वो कहाँ है, इतनी रात क्यों हो रही है उन्हें घर लौटने में, है ना? उन्हें बताना होता तो उन्होंने बता दिया होता, और बताया नहीं है इसका मतलब है मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। अनामिका वहाँ पे कुछ नहीं कहती है और अपनी सास को बुरा भला कहते कहते हॉल में आती है, दरवाजे पे नजर रखती है और वहीं पे घूमते रहती है। रात के करीबन 10 बज रहे थे। शारदा और प्रसाद खुशी खुशी घर लौट आते हैं। वो हॉल में सॉफ्टवेयर बहुरानी को देखते हैं। क्या बहू यहाँ पे हो,
बेटा अभी तक घर नहीं लौटा? वो तो बहुत पहले ही आ गए। पर ये बताइए, आप लोग दोनों शाम से घर पे क्यों नहीं है? लव बर्ड्स की तरह बाहर घूमने के लिए गए थे और अब घर लौट रहे हैं। कहाँ गए थे आप लोग पहले, ये बताइए मुझे। देखो बहू, हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुत थके हैं, अभी बाहर से घर आए हैं। इस तरह बिना कुछ कहे शारदा वहाँ से चली गई। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक रात करीबन 8 बज रहे थे। एक दिन अनामिका अपने दोस्त के बर्थडे पे जाती है। उसके दोस्त ने वादा किया था कि वो स्वादिष्ट मोमो खिलाएगी, इसलिए वो अनामिका को शारदा के दुकान में ले आती है। वहाँ पे अनामिका अपने सास ससुर को देखकर बड़ा आश्चर्य होती है। वहाँ शारदा प्रसाद भी अपनी बहू को देखकर ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो उन्हें पहचानते ही नहीं। अनामिका के दोस्त शारदा और प्रसाद के मोमोज की बहुत तारीफ करती है और वो कितना कमाते हैं उससे वो बताती है। आश्चर्य होकर अनामिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अपना मुंह बंद करो, नहीं तो कुछ अंदर चला जाएगा। तुम क्या बात कर रही हो, ये इतना कमा लेते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, देख नहीं रही हो कितनी भीड़ है? सारा खर्च होने के बाद भी 5,000 रुपए कमा लेते हैं। अगर देखा जाए तो हर महीने ये लाख रुपए कमा लेते हैं। वो जो कमा लेते हैं उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं। इस तरह से कह के वो अनामिका को घर पे छोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात के करीबन 10 बज रहे थे। अनामिका अच्छी बहू के तरह खाना पका के डाइनिंग टेबल पे सजा के सास ससुर का इंतजार करने लगती है। जैसे वो आते हैं, अपना घमंडीपन और 25,000 रुपए कमाती है इस बात के लिए वो उनसे माफी मांगती है। तब से सॉफ्टवेयर बहुरानी सुबह सुबह उठ के घर का काम करती है, खाना पकाती है, सास ससुर का सम्मान करती है और ये सब के बाद तब ऑफिस जाती है। बहू अनामिका मंदिर के पास ही एक नारियल का दुकान लगाई थी और वहाँ पे वो नारियल बेचा करती थी और जो पैसे कमाती थी उन्हीं पैसों से वो अपना परिवार का देखभाल करती थी। पति रमेश और ससुर जी प्रसाद नौकरी के लिए भटक रहे थे। बस इतनी सी आशा थी कि आज नौकरी नहीं मिलेगी तो कल जरूर मिल जाएगी। यही आशा लेकर वो अपने हाथों में सर्टिफिकेट्स और फाइल्स लेकर ऑफिस बस घूम रहे थे। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि जहाँ भी जा रहे थे कहीं भी नौकरी ही नहीं थी। उस दिन भी अनामिका अपना नारियल का दुकान खोलती है और जितना बन पड़े वो उतना ज्यादा नारियल बेचती है। फिर जब अंधेरा उतर आया तो वो दुकान बंद करके घर लौटने लगी। दरवाजे के सामने में शारदा बड़े गुस्से में खड़ी थी और अंदर आने से रोक दी। क्या हुआ सासुमा, आप कुत्ते की तरह ऐसे गुर्रा क्यों रही हैं और इतनी गंभीर क्यों हैं? अरे लड़की, कुत्ता किसे बोला तुमने? अपने जुबान पे लगाम लगाओ, तभी इस घर में मेरी बहू बन के रह सकती हो, नहीं तो जाके उस नारियल बेचने वाली बन के रहो। वही नारियल से हमारा पेट पल रहा है, ये बात मत भूलिएगा माँ जी। अनामिका की ये बात सुनने के बाद शारदा कहने लगती है, रहे नहीं दो, हमें मुफ्त में नारियल मंदिर से मिल जाएंगे। मुझे तुम्हारे वो नारियल खाने का कोई शौक नहीं है, मैं मरी नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सास हूँ, इस घर की मुखिया, और तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? अरे सासुमा, आप तो नीम की बीज की तरह है, मैं आपको कुत्ता क्यों कहूँ? मैंने तो बस तुलना की थी कि कुत्ते की तरह। तुमने कुत्ते के साथ क्यों किया? तुम बिल्ली, मच्छर, तुम शेर के साथ क्यों नहीं की? जब वो गुस्से से कह रही थी, अनामिका मुस्कुरा देती है। सासुमा का गुस्सा और बढ़ जाता, चिल्लाने लगती है, अनामिका और हंसती है। फिर वो किचन की तरफ चली जाती है, पर अचानक से हंसी रोक के वो आश्चर्य होके सासुमा से पूछती है, माँ जी क्या मैं नारियल से नारियल का लड्डू बनाऊं? ये सुनकर शारदा खुद को संभालती है और फिर कहती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये नारियल का टॉपिक बंद करो। नारियल फोड़ने के लिए पंडित को एक तुम नारियल दे दो, पंडित उस नारियल को मंदिर में फोड़ के लाके तुम्हें सारा दे देगा, फिर तुम उस नारियल से जो प्रयोग करना चाहती हो करके हमें दिखाओ, तुम और तुम्हारे नारियल को कोटि कोटि नमन। इस तरह से कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका मुस्कुराती है और किचन की तरफ फिर चली जाती है। अगले दिन सासुमा डाइनिंग टेबल पे बैठती है खाना खाने के लिए, पर डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ था। इस वजह से वो गुस्से में आकर अनामिका को जो मुंह में आता है वो सुना देती है। तब तक इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे बाप बेटा भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। अरे शारदा, बहू के चार हाथ है क्या, ये बताओ पहले। बेचारी जब से उठती है काम में ही लगी रहती है, तुम कम से कम जाके पकाया हुआ खाना तो यहाँ ला के रख सकती हो ना? फिर तुम्हारी बहू क्या करेगी, मेरा लाया हुआ खाना यहाँ पे बैठ के खाएगी? तब तक बहू अनामिका टिफिन डब्बा लेकर डाइनिंग टेबल के पास पहुँच जाती है। वो इडली बनाई थी
और उसके साथ था नारियल की चटनी। देखते ही शारदा ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। बहू, ये जो कर रही हो तुम, क्या ठीक कर रही हो? मानती हूँ तुम नारियल बेच के ही पैसे कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज नारियल की चटनी ही बनाओ। क्या बात है शारदा, तुम्हारी आवाज में वो रुतवा नहीं दिख रहा है। आप तो चुपी रहिए, इससे ज्यादा बोलने गई ना कहीं नारियल का ही नाश्ता ना बना दे। शारदा ने जब इस तरह से कहा उसकी बातें सुन के अनामिका खुश हो गई। अरे सासुमा, ये तरकीब तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, आपने अच्छी तरकीब दी है, कल से मैं यही पका के आप लोगों को खिलाया करूंगी। अनामिका की ये बात सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आया। शरीर कैसा है तुम्हारा? ठंडा है माँ जी। अच्छे से ठंडा हो जाएगा और अच्छे से ठंडा होगा जब मैं एक छलनी को गर्म करके ले आऊंगी, तब जाके बर्फ का एहसास होगा। अरे अरे सासुमा, उतनी ठंडक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के प्रसाद हंस पड़े। अब ये देखकर शारदा और गुस्से से तिलमिला जाती है। अनामिका, नारियल चटनी जरा देना, आज नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ बहू, आज चटनी स्वादिष्ट हुई है, एक बार तुम नारियल से सब्जी भी बनाने की कोशिश करना। बस सासू माँ की मंजूरी की देरी है पिताजी। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि तुम नारियल से सब कुछ बनाओ, कहकर शारदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये देखकर प्रसाद, रमेश, अनामिका तीनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर के बाद प्रसाद और रमेश इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। फिर अनामिका सासू माँ जो हॉल में सो रही थी उनके पास जाती है। माँ जी, मैं नारियल बेचने के लिए दुकान जा रही हूँ। अनामिका ने जब ऐसा कहा तो शारदा मनी मन सोचने लगती है। मैंने तो तुम्हें देख लिया बहू, अब तुम देखो मैं कैसी चीज हूँ, मनी मन सोचती है। फिर बहू को सुनाते हुए वो कहने लगती है। पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं, थोड़ी देर पैर दबा दोगी बहू? सुनने के अलावा अनामिका के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए वो पैर दबाने लग जाती है। शारदा को अच्छा लगा तो वो वहीं पे सो गई। अनामिका नारियल का लड्डू बनाती है और आँख खोलते ही सासू माँ वो देखे, इसीलिए वो टेबल के ऊपर ही रख के चली जाती है। फिर वो नारियल के दुकान में नारियल बेचती है। 5-6 घंटे के बाद अंधेरा उतर आता है, फिर वो घर लौट आती है। इधर हॉल में प्रसाद, शारदा और रमेश बैठे हुए थे और बड़े परेशान हो रहे थे। अनामिका उन्हें देखते ही समझ गई कि उन्हें नौकरी नहीं मिली। उन्हें समझाते हुए वो कहती है, परेशान मत होइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप लोगों को जरूर नौकरी मिलेगी, वो समझाती है। तब तक रात के 9 बज गए थे, सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन से ही 5 दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है, नारियल बेचने के लिए अनामिका जा ही नहीं पाती। 6वें दिन थोड़ा सूरज निकलता है तो अनामिका जाके नारियल का दुकान खोलती है। दुकान के अंदर पानी घुस गया था जिस वजह से कुछ नारियल खराब हो गए थे। देख के अनामिका रोने लगती है, वो अच्छे नारियल को रखती है बेचने के लिए। अब मौसम ही ऐसा था कि कोई भी नारियल पानी पीने के लिए आ नहीं रहा था। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुई, फिर सोचने लगी कि उसे कुछ इससे हटके करना होगा। जब वो घर जा ही रही थी, बीच रास्ते में उसे एक आदमी मैगी बेचते हुए दिखता है। ये देखते ही अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन से ही अनामिका नारियल पानी में मैगी बनाती है और नारियल में रख के बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म नारियल मैगी, नारियल पानी में पका गर्मा गर्म स्वादिष्ट मैगी, इस तरह से अनामिका बुलाने लगी। उसकी बातें सुन के सभी लोग बड़े उत्साहित होके अनामिका के ठेले के पास आने लगे। अनामिका का ये व्यापार आसमान छू लिया। नारियल पानी में पका स्वादिष्ट मैगी खाने के लिए हर दिन लोग अनामिका के दुकान में भीड़ लगाने लगे। इस तरह अनामिका का नारियल पानी मैगी व्यापार आसमान छू लिया और वो अच्छे पैसे कमाने लगी और उन पैसों से वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से देखभाल भी करने लगी।